अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा खातून बात कर रही हूँ और ये मैं आज कलेजी बना रही हूँ मसाले वाली, क्योंकि अब कलेजी का सीज़न आ रहा है बकरीद का हमारा। उसके लिए पहले मैंने है ना आधा किलो कलेजी ली है और उसको जो मैंने हल्दी से धो ली है। हल्दी से धोने में यह क्या होता है कि इसकी बिसैन निकल जाती है हल्दी से, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है पककर, क्योंकि हल्दी लगा दी है हमने। मैंने हल्दी से अच्छे तरीके से धो लिया, धो के उसको छान लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप ये देख लीजिएगा किस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने एक चम्मच, अच्छा पहले मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन मिक्स करना है। ये है दो चम्मच अदरक लहसुन, ये दो चम्मच अदरक लहसुन है, और एक चम्मच नमक है, एक चम्मच हल्दी है, एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची है, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च है, एक चम्मच धनिया है, आधी चम्मच ज़ीरा है। ठीक है, हमने इनको मिक्स कर लेना है, सारा मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरीके से। इसको हमने मैश करना, हाथ से मैश करने में हाथ का जायका भी आता है, इसे हम कहते हैं हाथ का जायका। ठीक है, और इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छी। ये थोड़ा सा हमने ये लिया है, हमने एक बड़ा टमाटर लिया है इसको हमने मिक्स किया है, और एक बड़ा प्याज लिया है इसको मिक्स किया है, चार हरी मिर्चें मिक्स की हैं, ये एक प्याली ये हमने नमक ये तेल लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर दिया है। मिक्स करके ज़बरदस्त के लिए थोड़ा सा रख देना है, इससे क्या होता है मसाला लग जाता है। फिर आप देखिएगा ये मिक्स हो गया है। अब इसके लिए मैंने सारा कुकर में डाल दिया है, इसको पानी भी मैश कर दिया है, ले लिया है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं कुकर बंद करूँगी, अब इसको जो है मैंने सारा मिक्स करके, और अब मैंने इसको कुकर में 15 मिनट के लिए वेट लगाकर इसको मैंने 15 मिनट में ही हमारी तैयार हो गई। ठीक है, ये आपकी कलेजी तैयार है। ठीक है, इसके साथ आधा किलो कलेजी के साथ 15 रोटी बहुत। ये मेरी 15 मिनट में कलेजी तैयार हो गई, फ्राई कलेजी, और इसको फ्राई भी कह सकते हैं, मसाले वाली कलेजी भी कह सकते हैं। और ये देखें इंशाल्लाह आप, ये मुझे मैंने तैयार किया है, और इसके साथ मैंने पराठे या सूखी चपातियाँ भी आप ले सकते हैं। और ना ये आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शायदा खातून किचन चैनल है मेरा ये। ठीक है, और आपको कोई चीज़ रेसिपी चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी।